22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं इस पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर अब कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने बड़ा हमला किया है और कहा है कि पूरे देश में राम मंदिर और राम जन्मभूमि की बातें परेशान करने वाली हैं। एंड व्हेन द एंटायर नेशन इज हंग अप ऑन राम टेंपल एंड जन्मभूमि एंड ऑल दिस स्टफ, इट रियली अपसेट्स मी, बॉदर्स मी। सो रिलीजन इज समथिंग वेरी पर्सनल, डोंट नेशनलाइज इट, डोंट यूज फॉर पॉलिटिकल गेन्स। इफ प्राइम मिनिस्टर इज स्पेंडिंग टाइम इन टेंपल्स ऑल द टाइम, इट बॉदर्स मी। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी और संत समाज ने कड़ा एतराज जताया है। डिप्टी सीएम के पी मौर्य का कहना है कि कांग्रेस को शुरू से ही राम मंदिर से परेशानी रही है। राम मंदिर बनने से जहां पूरा देश खुश है, वहीं कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। कांग्रेस भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती थी, उन लोगों को अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, देश पूरा खुश है, जो राम विरोधी हैं वो दुखी हैं, लेकिन उनके दुखी होने से रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है ना वह प्रभावित होगा, ना अयोध्या का सर्वांगीण विकास प्रभावित होगा और ना हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके जो विकास का काम है वह प्रभावित होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अयोध्या का विकास कर रहे हैं, काशी का विकास कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन का विकास कर रहे हैं। तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर बगैर मतलब के सही बातों का विरोध करोगे तो लोग और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। चाहिए क्या कि जो सही बात है उसे तो सपोर्ट करो, और जहां सरकार गलती करती है, खामियां जहां रह जाती हैं, उनको पब्लिक में और खास करके संसद में लाके उजागर करो। कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज्यादा परेशान है, तो उनकी सत्ता चली गई है तो दूसरे की सत्ता में और दूसरे के कार्यों में दखल देना चाहते हैं, और उनको खराब लग रहा है राम मंदिर का निर्माण, और लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और क्या कहते हैं कि महंगाई, इसको लेकर ये महंगाई बेरोजगारी शुरू से है, आज से नहीं है, कांग्रेस के समय से है। स्वाभाविक है सैम पित्रोदा जैसे गिरे हुए मानसिकता के लोगों से और कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, और देश के जनमन के साथ नहीं चलना विदेशी शक्तियों के इशारे पे काम करने वाले इन लोगों के लिए राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं हो सकता, इसलिए कि राम मंदिर से क्या मिला ये तो अयोध्या के लोगों से पूछिए।